ज्ञानवापी के बाद अब एमपी में भोजशाला में एएसआई कल से शुरू करेगी सर्वे। जानिए क्या है सदियों पुराना विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में 22 मार्च से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सर्वेक्षण करेगी। हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस में अपनी याचिका में मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोके जाने और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार देने की मांग की है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का कल यानी 22 मार्च से सर्वे शुरू होगा। सर्वे के दौरान मुख्य रूप से यह बात सामने आ सकती है कि यहाँ पर किस तरह के प्रतीक चिन्ह है, किस तरह की यहाँ की वास्तु शैली है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की धरोहर है। कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भोजशाला के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे के आदेश दिए थे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोके जाने और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार देने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। इससे पहले सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फरवरी में फैसला सुरक्षित लिया था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से एडवोकेट हरिशंकर जैन और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने पैरवी की थी। उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि पूर्व में भी जो सर्वेक्षण हुए हैं वे साफ साफ बता रहे हैं कि भोजशाला वाग्य देवी का मंदिर है। यहाँ हिंदुओं को पूजा करने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार देने से भोजशाला के धार्मिक चरित्र पर कोई बदलाव नहीं होगा। भोजशाला विवाद सदियों पुराना है। दरअसल हिंदू पक्ष का कहना है कि ये सरस्वती देवी का मंदिर है। सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई थी। यहाँ आज भी देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। अंग्रेज भोजशाला में लगी बगला देवी की मूर्ति को लंदन ले गए थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।